जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज तीसरा समन, यानी कि आज 9 सितंबर है, आज पेश होना था, लेकिन हेमंत सोरेन का काफिला देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। हेमंत सोरेन का काफिला जो है ईडी दफ्तर से क्रॉस कर रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन यहाँ से सीधे जो है ईडी दफ्तर को क्रॉस करते हुए एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो इसलिए कि जी समिट जो चल रहा है उसको लेकर के राष्ट्रपति की ओर से हेमंत सोरेन को आमंत्रण भेजा गया था। आपको बता दें कि ये जो है तीसरा समन है, तीसरे समन पर भी हेमंत सोरेन यहाँ पर हाजिर नहीं हुए। पहला समन 14 अगस्त को किया गया था, 14 अगस्त को हाजिर नहीं होने का वो किसी 15 अगस्त चूंकि इंडिपेंडेंस डे चल रहा था और डुमरी उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार भी चल रहे थे, जिसका हवाला देते हुए हेमंत सोरेन 14 अगस्त को हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन को ठीक 10 दिनों के बाद यानी कि 24 अगस्त को उनको फिर से एक बार समन किया जाता है। हेमंत सोरेन 24 अगस्त को भी यहाँ हाजिर नहीं होते, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से हाजिर नहीं होने की वजह जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो होता ये है कि हेमंत सोरेन सीधे सीधे ईडी को चुनौती करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आप इस प्रकार मुझे समन नहीं कर सकते हैं वरना मैं कानून का शरण लूंगा। उसके बाद हेमंत सोरेन जो है 24 अगस्त के बाद वो दिल्ली का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो होता है उसका जो प्रोसीजर होता है उसको अपनाते हैं। उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन को जो है तीसरा समन किया जाता है। तीसरा समन यानी कि 9 सितंबर आज का जो तारीख है और आज एक जो समय है 11 बजे हेमंत सोरेन को यहाँ पे पेश होना होता है। लेकिन हेमंत सोरेन जो है चूंकि वो पहले ही अपने दूसरे समन के बाद से जो ये वो ईडी को ये मैसेज दे चुके हैं, ईडी को ये बता चुके हैं कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं कानून का शरण लूँगा, आप इस प्रकार से मुझे पीड़ा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि हेमंत सोरेन पहले से जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले चुके हैं तो वो तीसरे समन पर भी हाजिर नहीं हुए। ये जो काफिला आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन का, ये अभी ईडी दफ्तर से ही क्रॉस कर रहा है। समय जो है 12 बजकर लगभग सवा बारह का ये समय है और चूंकि 11 बजे का वक्त था जो यहाँ पर उनको हाजिर होना था, लेकिन हेमंत सोरेन जो है 12 बजे के लगभग ईडी दफ्तर से क्रॉस करते हुए ये काफिला देख सकते हैं साफ तौर पर जो है, और यहाँ से वो सीधे दिल्ली की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में रात्रि भोजन में आज उनका राज्य के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हेमंत सोरेन रात्रि भोजन में शामिल होंगे और वहां से फिर रात्रि भोजन के बाद वो वापस से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन खबर यही है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 3 बार समन किया जा चुका है, तीनों बार जो है अब तक एक तरह से कहे हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर हाजिर नहीं हुए हैं। इसके आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट यही है कि 9 सितंबर यानी कि जो आज का दिन है, आज के दिन भी हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे बल्कि ईडी दफ्तर को क्रॉस करते हुए सीधे एयरपोर्ट की ओर गए और एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। शुक्रिया। अब डाक था, डाक दिए, अब का था कोई दिक्कत नहीं है, क्या लेकर आ रहे हैं? अरे नाम क्या हुआ आपका? राम क्या हुआ? हाँ चिट्ठी लेकर आए थे। हाँ हेमंत सोरेन जो है यहाँ से निकल गए थे। ये हम कैसे कर सकते, हम इनको ऑफिस में मिला, हम इनको पहुँचा दिए। चिट्ठी कब मिला था? चिट्ठी ऑफिस से कुछ जो आने में टाइम लगा। कब मिला? आज मिला था कि कल मिला था ये बताइए। आज मिला। आज कितने बजे मिला था? अब टाइम हम तो कैसे कर सकते हैं, मिला। हाँ हाँ कितनी चिट्ठी थी उसमें? नहीं देखे मैम, वो सब नहीं देखे। ठीक है।